बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, देखिएगा। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट दोज एलिमेंट्स हुज चार्ज नंबर इज़ ग्रेटर देन 82। स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर है आर अनस्टेबल, वो अनस्टेबल है एंड एमिट, और वो एमिट करते हैं इनविजिबल रेडिएशंस दैट कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर है और वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट करते हैं, उन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर है। अब ये जो फिनोमिना है, रेडिएशन एमिट होना, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और जो रेडिएशन एमिट आउट होती हैं वो हमारे पास 3 हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। अब यहाँ तक अगर हम डिस्कशन देखें तो हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें हमने कहा है कि जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हैं वो एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। हमने कहा वो एलिमेंट्स इनविजिबल रेडिएशन एमिट करते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और जो रेडिएशन लिमिट होती है वो अल्फा, बीटा एंड गैमा है। उसके बाद अगर हम इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, इसकी डिस्कवरी देखें, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था हेनरी बेकरल। इन्होंने 1896 में रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया। इन्होंने बेसिकली देखा कि इनके पास यूरेनियम 92 जो है वो उन्होंने उसने इनविजिबल रेडिएशन एमिट की, जो कि फोटोग्राफिक प्लेट्स इनकी ड्रॉ के अंदर जो रैप थी उसने उनको अफेक्ट किया, उन प्लेट्स को। और हेनरी बेकरल के बाद मेरी क्यूरी एंड पैरी क्यूरी ने भी न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्लोनियम एंड रेडियम को डिस्कवर किया। अब अगर हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, हमने इसको एक्सपेरिमेंटली किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, देखिएगा। हम एक लेड चैम्बर लेते हैं जिसमें हम एक सोर्स रख देते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रख देते हैं। यहाँ हमने एक वैक्यूम चैम्बर लिया जहाँ हमने एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ से जो रेडिएशन एमिट हुई, हमने ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट को रखा तो हमने ऑब्जर्व किया कि फोटोग्राफिक प्लेट को जब हमने देखा तो यहाँ 3 डिफरेंट पॉइंट्स में हमें मार्क्स मिले जो कि शो कर रहे थे कि इसका मतलब यहाँ से 3 तरह की रेडिएशंस क्या हुई हैं, 3 डिफरेंट रेडिएशंस एमिट हुई हैं। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गैमा रेडिएशंस हैं, अल्फा और बीटा यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं। ये भी फर्दर हम डिस्कस भी करेंगे कि बीटा जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई हैं। उसके बाद हमने कहा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी देखें, इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखें बीटा की बेंडिंग ज़्यादा है और अल्फा की बेंडिंग कम है। यहाँ पे ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि बीटा जो है वो लाइटर है और अल्फा जो है वो थोड़े उससे हैवियर पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हम कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं। इन कंक्लूजन से हमें क्या कुछ सीखने को मिला, इन कंक्लूजन से हमें क्या कुछ पता चला? दिस एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कंक्लूड दैट ऑल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल आर नॉट सेम। देखो, अगर सेम होती तो एक ही पॉइंट पे जाके हिट करती फोटोग्राफिक प्लेट पे, बट ये सेम नहीं है रेडिएशंस। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो रेडिएशंस यहाँ से एमिट आउट हो रही हैं वो सेम नहीं है, अलाइक नहीं है। नेक्स्ट, द रेडिएशन बेंडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। अच्छा, यहाँ से एक हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है कि अगर हम देखें बीटा को वो नेगेटिव, बीटा जो है वो बेंड हुए हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब बीटा पे नेगेटिव चार्ज है। अल्फा को देखें वो बेंड हुआ है नेगेटिव की तरफ, तो इट मीन्स अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट भी सीखने को मिलता है कि इनके ऊपर चार्ज कौन सा है, तो अल्फा पे पॉजिटिव और बीटा पे नेगेटिव चार्ज है, और गैमा स्ट्रेट जा रही है, मतलब वो बेंड नहीं हो रही, इट मीन्स इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एक सिंपल सा कंक्लूजन हमें इस एक्सपेरिमेंट से मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करें, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई है। ईच अल्फा पार्टिकल
हैव टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स, इसलिए इसका जो मास नंबर है वो हमारे पास देख ले 4 होगा और चार्ज नंबर जो है वो 2 होगा। सिमिलरली अगर हम बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस से एमिट आउट होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, तो न्यूक्लियस में से कैसे इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं, ये भी फर्दर हम इस पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। और अगर हम देखें इनका चार्ज नंबर -1 और मास नंबर 0 कंसिडर होगा। उसके बाद अगर हम गैमा की बात करें तो गैमा बेसिकली मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और एक्सरेज की तरह गैमा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं कमिंग आउट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एमिट आउट होंगे। द वेवलेंथ ऑफ गैमा इज मैक्सिमम इज मच शॉर्टर, इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है और एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो याद रखिएगा यहाँ से MCQ भी बन सकता है कि आपके पास 7 किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जिसमें आपके पास गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रो रेडियो वेव्स हैं। इन 7 में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गैमा रेज की है, सबसे ज़्यादा एनर्जी भी गैमा रेज की है और सबसे कम या सबसे शॉर्टर वेवलेंथ भी गैमा रेज की होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिस्कस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कशन करनी है स्टूडेंट्स अबाउट न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डीके। When a particle or radiation is emitted out of the radioactive element, there is some change in the nucleus of element. अब चाहे उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो, बीटा एमिट हो, तो न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। So this element changes into new element. अब ये element basically किसी और element में change हो जाता है। This process is called radioactive decay या nuclear transmutation. इसको हम transmutation यानी आप यूँ समझें कि alpha का निकल जाना किसी भी nucleus में से, beta का निकल जाना, ये radioactive decay कहलाता है या हमारे पास nuclear transmutation कहलाता है। अब इसमें parent element क्या होगा? तो original element is called parent element. Daughter element क्या होगा? The element formed due to radioactive decay is called daughter element. यानी उसमें जब अल्फा या बीटा डिके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस होगा उसे हम डॉटर एलिमेंट का नाम देंगे, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके द फॉलोइंग कन्वर्जेशन लॉज रिमेन एप्लीकेबल, कुछ लॉज हैं जो एप्लीकेबल रहते हैं, चार्ज नंबर, मैस नंबर, मोमेंटम, मैस, एनर्जी, ये सारी चीजें कंजर्व रहती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ रेडियोएक्टिविटी है या रेडियोएक्टिव डिके है वो 3 है, अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके, यानी अल्फा का एमिट आउट होना, बीटा का या गैमा का। अब पहले हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं अबाउट अल्फा डिके, यानी अल्फा पार्टिकल्स का एमिट आउट होना। अब अगर हम अल्फा डिके की बात करें तो इन अल्फा डिके द पेरेंट एलिमेंट लूजेस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन्स एमिट आउट होंगे और 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होंगे, एमिट आउट होंगे, यानी हीलियम न्यूक्लियाई निकलेगा सिंपल वर्ड्स में। तो इसे हम अल्फा डिके कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अल्फा डिके में आपने याद रखना है कि अल्फा डिके में हमने बात की कि अल्फा बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई है। जब हीलियम न्यूक्लियाई पेरेंट एलिमेंट में से निकला तो बेसिकली मास नंबर डिक्रीज बाय 4 हो जाएगा और चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अल्फा डिके में अंडरस्टैंड करना है कि चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। इसको हम एमिशन ऑफ अल्फा जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है और देखें डॉटर एलिमेंट में ए -4 हो गया और जी -2 हो गया। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन मैंने कर दिया कि अगर आप देखें आपके पास यूरेनियम 238 है, अगर ये अल्फा पार्टिकल को डिके करे तो ये थोरियम 144 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो इसमें मास नंबर डिक्रीज बाय 2 हो गया है और चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2 हो गया और मास नंबर जो है वो डिक्रीज बाय 4। यानी अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास जो रेडियम है वो हमारे पास है 226 और यहाँ देखिए रिडॉन गैस बनी जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आ गया 4 का और यहाँ पे डिफरेंस आ गया 2 का। तो हम यहाँ से क्लियरली अल्फा डिके को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद अल्फा डिके अकर्स व्हेन एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल एंड इन द प्रोसेस इट इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट और डॉटर न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल के डिके से हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाता है,
चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम 238 है और यहाँ देखिए यूरेनियम जो आपके पास थोरियम है वो 234 है। इट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ गया मैस नंबर में, और चार्ज नंबर में देखें तो 2 का डिफरेंस आता है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट अल्फा डीके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अबाउट बीटा डीके। बीटा डीके मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि ड्यूरिंग बीटा डीके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करने वाली बात है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन है फास्ट मूविंग, इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। अब जब बीटा एमिट होता है किसी भी न्यूक्लियस में, तो याद रखिएगा मैस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैस नंबर रिमेन सेम, बट चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। चार्ज नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 1 होता है। एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो आपके पास जो रिएक्शन होगा वो जिस तरह से होगा कि ये आपके पास पेरेंट एलिमेंट है, ये डॉटर एलिमेंट है। आप देख सकते हैं डॉटर एलिमेंट में मैस नंबर यहाँ भी ए था, यहाँ भी ए रहा, बट चार्ज नंबर यहाँ प्लस 1 हो गया। क्यों? इसमें से बेसिकली -1 जो है वो निकला। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, उसका एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स तो वजह से सुनिएगा। बेसिकली होता यह है कि जब बीटा डीके होता है, ड्यूरिंग बीटा डीके एक न्यूट्रॉन ब्रेक होता है, टूटता है, उसके ब्रेक होने से, टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बनता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, प्रोटॉन वहीं रहा, तो बेसिकली प्रोटॉन एक बढ़ गया, न्यूट्रॉन कम हुआ, प्रोटॉन बढ़ा है, तो ओवरऑल न्यूक्लियॉन्स की तादाद तो सेम रही, तो इट मींस दैट कि न्यूक्लियॉन्स की तादाद सेम है। दोबारा सुन ले इसको, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करें 45 प्रोटॉन्स हैं, 45 न्यूट्रॉन्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा एक न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया, टूट गया, अब न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 44। लेकिन उसमें से जब स्प्लिट हुआ तो दो चीजें बनी, एक आपके पास बना इलेक्ट्रॉन और एक आपके पास बना प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो गया बाहर न्यूक्लियस से, बाकी क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी। अब प्रोटॉन पहले 45 था, 46 हो गया, लेकिन जो आपके पास न्यूट्रॉन था वो एक कम हो गया, तो ओवरऑल देखे तो 90 ही रहे, वो भी 45, पहले 45 था, 46 और 44 हो गए। इट मींस के मैस नंबर पे कोई चेंज नहीं आता जब बीटा डीके होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आपने याद रखना है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये यहां एक्सप्लेन भी है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स में, जो कि इससे एमिट आउट होते हैं, न्यूट्रॉन ब्रेक होता है प्रोटॉन में और नेगेटिव बीटा पार्टिकल से। तो ये इसकी एग्जांपल है। अगर आप थोरियम को देखें तो वो प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें देख सकते हैं मैस नंबर सेम है, चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आपने क्लियर करना है, और ये एग्जांपल भी आपकी बुक में मेंशन है, इसको भी आप लोगों ने कंसिडर कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो करते हैं जी अबाउट गैमा डीके। अब गैमा डीके में बेसिकली रेडिएशन एमिट आउट होनी है। जब हम रेडिएशन की एमिशन की बात करते हैं, रेडिएशन एमिट आउट होने की बात करते हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहां पर ना तो मैस नंबर में चेंज आएगा ना ही चार्ज नंबर में चेंज आएगा, दोनों सेम रहेंगे। भाई फिर ये एमिशन होगी कैसे? बेसिकली होता यह है कि जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है, तो आपका जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और जब वो डीएक्साइट होता है, ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो रेडिएशन एमिट करता है। तो बेसिकली यहां आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्टेरिक शो कर रहा है कि एक्साइटेड न्यूक्लियस है, और जब ये डीएक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट पे आया तो इसने गैमा रेडिएशन एमिट की है। तो इसमें मैस नंबर और चार्ज नंबर पर कोई चेंज नहीं आता, यही एक्सप्लेनेशन यहां पर मेंशन है। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपके पास गैमा रेडिएशंस अगर एमिट हो, तो गैमा रेडिएशन जब भी एमिट होंगी आपके पास मैस नंबर और चार्ज नंबर दोनों सेम रहेंगे। ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ना मैस नंबर चेंज हुआ और ना ही चार्ज नंबर चेंज हुआ। तो हम यहाँ से सिंपली ये कह सकते हैं कि मैस नंबर चार्ज नंबर पे कोई फर्क नहीं आएगा ड्यूरिंग गैमा डीके, जबकि अल्फा डीके और बीटा डीके के दौरान जो चेंजिंग आनी है वो आपने याद रखनी है कि बीटा डीके पे मैस नंबर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1 हो गया। जबकि जब आप बात करते हैं इसकी प्रोटॉन नंबर, इसकी गैमा डीके की, तो वहां मैस नंबर और चार्ज नंबर दोनों पे कोई फर्क नहीं आता। और यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। होप सो यहां तक की डिस्कशन आपको क्लियर होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।